यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यारा पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आए, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा। ओ छोटे आ जा भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र या अल्लाह तेरा, वो मुल्क दिया ठंडिया वहाँ आई ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमात नाम, बातमात सर्विस, दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, यूनान से बज़्म तकबीर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाजिर है। नाज़रीन हमारी कोशिश होती है हम यूनान में बसने वाली तमाम पाकिस्तानी बरादरी से मुतल्लिका खबरें, उनकी तकरीबात, ख्वाह सियासी हों, मजहबी हों या समाजी हों, उनकी कवरेज और ख़ासकर इमिग्रेशन अमूर पर, इमिग्रेशन न्यूज़, इमिग्रेशन मसाइल पर जो बर वक्त और दुरुस्त मालूमात अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। नाज़रीन आज हम स्टूडियो में बातचीत करेंगे अतवार और पीर की जो दरमियानी शब है, शब बरात है, इसी हवाले से, इस बाबरकत और रहमतों वाली रात के हवाले से हम अपने नाजरीन को बातचीत बताएंगे। इस हवाले से आज हमने स्टूडियो में दावत दी हुई है कारी मोहम्मद यासीन चिश्ती, जो कि खतीब व इमाम मस्जिद हैं जामिया मस्जिद गुलजार मदीना नया यूनियन, और इसके साथ साथ वो नायब सदर हैं ज़ियाल उम्मत फाउंडेशन ग्रीस। उसके साथ साथ आज हमने मस्जिद हाजा की जो कमेटी है गुलजार मदीना, उनके जो नायब सदर हैं बाबर नसीम साहब को भी दावत दी हुई है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले चलते हैं न्यूज़ अपडेट की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, यूनान से तकबीर टीवी के प्रोग्राम बज़्म तकबीर में इस हफ्ते की खबरों के साथ मैं हूं यूसुफ चौधरी। सबसे पहले खबरों की हेडलाइंस। पनाह गज़ीनों की सियासी पनाह के लिए काते हाकी में नया मरकज खोल दिया गया। 3 साल का कार्ड जारी होने की सूरत में साहिल सफरी दस्तावेज़ात हासिल करने के बाद यूरोपीय यूनियन में बतौर सयाह मुकर्रर मुद्दत तक घूम फिर सकता है। सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस 24 जून को मकामी तातील की वजह से बंद रहेगा। अलामा शहबाज अहमद सदीकी, अलहा शफीक अवान, अलहा जावेद अवान और कारी मोहम्मद अकरम हमारे लिए काबिल इज्जत मेंबरान हैं। साहबजादा हसन मुहीद्दीन की सहाफ़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुर्बतों की मेराज रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहब्बतों की मेराज कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई। साहबजादा हसन मुहीद्दीन का अजमत मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिताब। तहरीक इंसाफ के MPA का कत्ल और कायद आजम की रहायशगाह पर हमला मुल्की सलामती पर हमला है। राजा आसफ कैनी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनान। हमें तुमसे प्यार है, हमारे दुख सांझे, हमारे सुख सांझे, मकामी फनकारों और पाकिस्तान बरादरी का इजहार अंजम से इजहार यकजहती। आरता डेयरी फार्म में काम करने वाले पाकिस्तानी की लाश फार्म के करीब खाई में पाई गई। थिसलोनीकिया के मकदोनिया हवाई अड्डे पर यूरोपीय ममालिक भेजे जाने वाले गैंग का नेटवर्क तोड़ दिया गया। यूनानी प्रोफेसर कोस्ता खिरजोलाकिस की रावलपिंडी की ज़री यूनिवर्सिटी में शिरकत और खत्ता। त्रिकाला में एक और गैर मुल्की तारकीन वतन को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया गया। कोयटा और ज्यारत में होने वाली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान। खबरों की तफसील।
पनाहगजीनों की सियासी पनाह के लिए खाते हाकी में नया मरकज खोल दिया गया। जिन लोगों के पुराने फिंगर प्रिंट्स या रेड कार्ड हैं वो सिर्फ पुलिस के मरकज पनाहगजीन पेट्रोरालिस ही में दोबारा अपनी सियासी पनाह की अपील कर सकते हैं, जबकि काते हाकी के मरकज में सिर्फ ऐसे पनाहगजीनों को कार्ड जारी किए जा रहे हैं जो पहली दफ़ा सियासी पनाह की दरख्वास्त दे रहे होंगे। ये बयान पनाहगजीनों के नए मरकज बराए सियासी पनाह काते हाकी की इंचार्ज मारिया स्तावरोपूलो ने अपने एक बयान में दिया। उनका कहना था कि ऐसे तारकीन वतन सियासी पनाह के लिए अपील कर सकते हैं जो पहली दफ़ा अपनी अपील कर रहे होंगे। इन अफराद को यहाँ पर मुतलका अमला मावनत करते हुए उनके फिंगर प्रिंट्स लेते हैं और एक फॉर्म पुर किया जाता है जिसमें उनके ज़रूरी क्वाइफ दर्ज होते हैं। तस्वीर और दीगर दफ्तरी कामों के बाद साहिल को इब्तदाई मालूमात फराहम करना होती हैं जिसमें वो अपनी सियासी पनाह की दरख्वास्त की वजह बयान करता है। इन तमाम मामलों में तर्जमान भी मुहैया किया जाता है। इसके बाद साहिल को 3 माह के दौरानिए का एक कार्ड जारी किया जाता है। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ यूनान में आजादाना घूमने और रहाइश के लिए काबिल इस्तेमाल होता है। 3 माह के अरसा के दौरान साहिल को दोबारा इंटरव्यू के लिए तलब किया जाता है जहाँ पर इसका तफसीली इंटरव्यू होता है और इसके केस के मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया जाता है। सियासी पनाह मंजूर होने की सूरत में पनाहगजीन को बजरिया फोन इतला दी जाएगी जिसके बाद उसको 3 साल का कार्ड जारी किया जाएगा जिसके साथ वो सफरी दस्तावेजात हासिल करके यूरोपीय यूनियन में बतौर सयाह मुकर्रर मुद्दत तक घूम फिर सकता है। सियासी पनाह की दरख्वास्त गुजार की अपील मुस्तरद होने की सूरत में पनाहगजीन को नजर सानी की अपील का हक हासिल है। सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस एक प्रेस रिलीज के मुताबिक सफारतखाना पाकिस्तान 24 जून बरोज पीर को यूनान की मकामी तातील की वजह से बंद रहेगा। अलामा शहबाज अहमद सदीकी अलहा शफीक अवान जावेद अवान और कारी मोहम्मद अक्रम हमारे लिए काबिल इज्जत मेहमान हैं। इनकी रजामंदी से पाबंदी बरकरार रखी वगरना मेरी तरफ से उन्हें खुली आफर थी। इन ख्यालात का इजहार मिराजुलकर इंटरनेशनल सुप्रीम काउंसिल के सदर डॉक्टर हसन मोयदीन ने अपने 3 रोजा दौरा यूनान के दौरान सहाफियों के साथ एक इशाइये में गुफ्तगू के दौरान किया जिसमें सईद मोहम्मद जमील सिकंदर रियाज चौहान उरफान तैमूर अलहाज बशीर शाद अशीर हैदर यूसुफ चौधरी फिदाउर रहमान शहजाद डिंगा नासिर जसुकी वकास इलियास और दीगर शरीक थे। स्पाइसी बूट्स अमोनिया में इशाइये के दौरान सहाफियों के सवाल यूनान में गोल्डन डॉन की तरफ से तौसवाना कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी बिरादरी का क्या रद्दअमल होना चाहिए का जवाब देते हुए साहबजादा डॉक्टर हसन मोयदीन ने कहा कि हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए ना कि उनके साथ हम भी डंडे निकाल कर मुकाबला करें जिसे सवाए मिसाइल बढ़ने अलावा कुछ हासिल ना होगा। हमें ग्रीस के कानून की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। साहबजादा हसन मोयदीन ने कहा कि बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इंतहाई नाकाम है जिसकी वजह से सफारतखानों का करदार भी काबिल स्तायश नहीं, इसलिए यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी बिरादरी की सियासी और समाजी तंजीमों को मकामी सियासी तंजीमों के साथ रवाबत इस्तवार करना होंगे जिससे हालात में बेहतरी लाई जा सकती है। अलामा शहबाज सदीकी अलहा शफीक अवान जावेद अवान और कारी मोहम्मद अक्रम जाहिद के हवाले से सहाफियों के मुख्तलिफ सवाल का जवाब देते हुए साहबजादा हसन मोयदीन ने कहा कि वो हमारे लिए काबिल इज्जत मेंबरान हैं। मैंने यूनान आने के बाद उनसे 3 घंटे की तवील मुलाकात की है जिसमें उनका मौकफ सुना गया है और उन्हें मिराज पीस एंड इंटीग्रेशन के हवाले से यूनान में किरदार अदा करने के लिए खुली आफर की थी जिसे उन्होंने कबूल करने के बजाय अपनी रजामंदी से ही फैसले के मुताबिक वक्त गुजारने को तरजीह दी और यही वजह थी कि कल के मरकजी प्रोग्राम में वो मौजूद थे। 2 साल पाबंदी के हवाले से सहाफियों के सवाल के जवाब में साहबजादा हसन मोयदीन ने कहा कि मैं समझता हूँ कि वो हमारे पुराने साथी हैं और इदारा मिनहाजुल कुरान के हवाले से उनकी खिदमात काबिल तहसीन है, लेकिन बुनियादी तंजीमी बुनियादों पर चंद वजूहात की बिना पर उन्हें ओहदों से बर्खास्त किया गया जबकि उनकी रुकनीत मुकम्मल बहाल है। यूनानी टेक्सटाइल फर्म ELYF पाकिस्तान से कम कीमत और आला मेयार की फैब्रिक मसनूआत बरामद करने की ख्वाह है। इन ख्यालात का इजहार टेक्सटाइल फर्म के डायरेक्टर नासोस जोर्गियादिस ने एक सालाना तकरीब के दौरान खताब में किया। उनका कहना था कि यूनान में जारी इक्तिसादी बुहरान के बायस अवाम की कुव्वत खरीद में शदीद कमी आई है जिसके सबब लोगों में कम कीमती अशिया खरीदने का रुझान देखने में आया है। ऐसे में सार्फिन को सस्ती और मेयारी मसनूआत फराहम करने के लिए पाकिस्तान मैक्सिको और ब्राज़ील जैसी टेक्सटाइल सनअतों तक रसाई हासिल करना जरूरी है। हैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के एम पी इमरान खान को खुदकश धमाके में शहीद करने के वाक़े की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनान के सदर राजा आसिफ क्यानी ने पुरजोर मजम्मत करते हुए उनकी वफात पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। हमें तुमसे प्यार है, हमारे दुख सांझे हमारे सुख सांझे, मकामी फनकारों और पाकिस्तान बरदरी का इजहार अंजम से इजहार यकजहती।
ایتھنز کے علاقہ پالیا کوکینیا میں جدرانی زبان سکھانے والے سکول کے زیر اہتمام اور پاکستانی برادری و طلبہ کی کوششوں سے مقامی فنکار اظہار انجم سے اظہار یکجہتی اور ان سے اپنی قربت کا ثبوت دینے کے لیے ایک چیریٹی شو منعقد کیا گیا، جس میں پاکستانی برادری کے تمام فنکاروں، یونانی اور روسی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اظہار انجم کے لیے ہونے والے چیریٹی شو میں مقامی فنکاروں نے بلا تفریق شرکت کی اور شائقین کے لیے اپنے فن کا بھی مظاہرہ پیش کیا، جبکہ شو میں شریک یونانی مہمانوں کے لیے یونانی موسیقی کی دھنیں بھی پیش کی گئیں۔ منچلوں کے لیے رقص اور فنکاروں کے لیے منفرد انداز میں نغمات نے ماحول کو خوب گرمایا۔ اظہار یکجہتی کے اس پروگرام میں فنکاروں کے علاوہ صحافی برادری کی بھی بھرپور نمائندگی موجود تھی، جبکہ مذہبی و سیاسی سماجی شخصیات نے بھی اپنی شرکت کر کے اظہار انجم سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا۔ چیئرمین تکبیر ٹی وی اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ انٹرنیشنل صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری 27 جون کو ایتھنز پہنچیں گے، جن کے استقبال کے لیے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات 12 بجے ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا جائے گا، جس کے بعد جمعۃ المبارک کی نماز آسپرو پیرگوس میں ادا کی جائے گی، جبکہ عصر تا مغرب پروگرام میگارا میں منعقد ہوگا، اور ہفتہ کو عصر تا مغرب پروگرام نیا یونیا میں، جس کے بعد مغرب تا عشاء ماراتھونا میں محافل منعقد کی جائیں گی۔ اتوار صبح خواتین کا 11 بجے مرکز حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اگالیو میں پروگرام کا انعقاد ہوگا، جبکہ مرکزی پروگرام عصر تا مغرب جامع مسجد سفینہ پنجتن پاک پیرستیری میں منعقد ہوگا۔ صدر حق باہو ٹرسٹ جنان حاجی محمد افضل نے تمام مسلمان برادری سے اور مریدین سے ان محافل میں شرکت کی پرزور اپیل کی ہے۔ ناظرین، یہ تھیں اس ہفتے کی خبریں، آئندہ ہفتے کی تازہ ترین خبروں تک جنان سے یوسف چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، آپ نے خبریں ملاحظہ کی، اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہوئی ہے قاری محمد یاسین چشتی صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور بابر نسیم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ہم بات چیت کریں گے، ناظرین کو بتائیں گے شب برات کے حوالے سے، بابرکت رحمتوں والی مبارک رات ہے، اس حوالے سے آپ سے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کے کہنے کے بعد آپ ہمیں بتائیں، محمد یاسین چشتی صاحب، آپ کتنے عرصے سے جنان میں مقیم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرفان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تکبیر ٹی وی کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے مجھے آج تکبیر ٹی وی کے اوپر شب برات کے حوالے سے چند لمحے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کتنے عرصے سے میں یونان میں رہتا ہوں، دینی خدمات دیتا ہوں، تو تقریباً مجھے کم و بیش 7-8 سال ہو گئے ہیں اسی مسجد میں۔ اچھا، آپ نیا یونیا کی مسجد میں جب سے آئے ہیں، آپ وہیں پر دینی خدمات آپ نے دے رہے ہیں؟ ہاں، جب سے میں آیا ہوں تقریباً 1 سال رہا ہوں، ویسے ہی کام کیا، پھر دوستوں نے دعوت دی مسجد میں، مسجد میں آیا، اور اس کے بعد اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابھی تک تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا اور مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں دین کی خدمت کروں۔ اچھا، آپ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کہاں تک فارغ التحصیل ہیں، دینی حوالے سے آپ کی کیا، جسے کہتے ہیں ایجوکیشن ہے، کیا تعلیم ہے آپ کی؟ عرفان صاحب، دینی حوالے سے میں حافظ قرآن ہوں، ماشاء اللہ، اس کے بعد مڈل، میٹرک اور ادیب عربی میں نے حضور ضیاء الامت سید امام الشریف جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادارے سے، جو بیرہ شریف کی ایک شاخ ہے بوکن شریف، وہاں میں۔ کہاں پہ مقیم ہے بوکن؟ یہ گجرات، بوکن شریف ضلع گجرات سے۔ اچھا اچھا، گجرات شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر بھیمبر کی سائڈ پر واقع ہے بوکن شریف، ٹھیک ہے، جہاں پر ایک وسیع و عریض مدرسہ قائم ہے۔ اچھا اچھا، اور جس کی سر آپ نے میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ دینی تعلیم کا سلسلہ وہاں آپ نے شروع؟ ہاں، دینی تعلیم کا سلسلہ وہاں میں نے شروع کیا، جی جی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے دینی تعلیمات بھی میں نے وہیں سے حاصل کی، وہیں پہ آپ نے تعلیم مکمل کی۔ آپ مسجد گلزان مدینہ، جو نیا یونیا میں ایتھنز کا ایک ایریا ہے، وہاں پر آپ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تو ایک مسلم ملک ہے،
वहाँ पर लोग भी वाफर तादाद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पर आपने देखा फैमिलीज भी हैं, उनके बच्चे भी, आप बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपकी जो कोशिश है उस पर भी बातचीत करेंगे। दीनी हवाले से आपको क्या मुश्किल पेश आती हैं यहाँ पे बैरून ममलक में? यानी कि हाँ, बैरून ममलक में यहाँ जैसा कि आपको मालूम है कि ये मुसलमानों का मुल्क भी नहीं है, ईसाइयों का ये मुल्क है जी। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर इंसान खुद चाहे, इंसान का ज़मीर मुतमईन हो, इंसान अगर एक सच्चा मुसलमान हो तो वो कहीं भी रहे अपने अल्लाह के साथ उसकी जस्तजू लगी रहती है, वो अपने अल्लाह को याद करता रहता है। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, मसाइल आप देख लें जहाँ भी हों, हमारा अपना मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ भी देख लें, कोई भी किसी को कोई गारंटी नहीं है ज़िंदगी की, मस्जिदों में खुदकश हो, लेकिन यहाँ ये अल्लाह पाक का फजल है कि अल्लाह पाक ने यहाँ पर कोई ऐसे हमले वगैरह ऐसे जान वाले बात नहीं होते हैं। हम आजादी से अपना अपनी दीनी खिदमत जो है आजादी से दे रहे हैं, आजादी से अदा कर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बैरून ममालिक में जो लोग हम दियारे गैर में बस रहे हैं पाकिस्तानी तारकीन वतन, वो किस तरह उनका लगाव है दीन की जानब? आप जब जुमे का खुतबा देते हैं, आपकी तकरीरें सुनकर, आप क्या सुनते हैं, उन पर कोई असर होता है? नमाजियों की तादाद बढ़ी है या घटी है, उस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। माशा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की नस्बत यहाँ पर जो नौजवान है वो ज्यादा दीन की तरफ आते हैं, नौजवान तबका ज्यादा लगाव दीन की तरफ उनका बढ़ रहा है। ज्यादा हमारा हफ्तावार प्रोग्राम भी होता है, नमाज जुम्मा भी होती है, तो इसलिए इस हवाले से जो नौजवान तबका है उसका बहुत ज्यादा लगाव है दीन से। ठीक है जी, अभी मैं पूछूंगा अपने अगले मेहमान बाबर नसीम साहब, आपको भी खुश आमदीद, आप नायब सदर हैं मस्जिद कमेटी गुलजार मदीना न्याय यूनियन के। आप मुझे बताएं कि हफ्तावार प्रोग्राम भी होता है, मस्जिद के जो इंतजाम हैं किस तरीके से आप अदा करें, साहब मुतमिन हर चीज से? समाजी हवाले सारी आवाम जनान की आवाम अगाह करते हो, तो बाकी रहा प्रोग्राम मस्जिद हवाले का, मस्जिद अलहमदुल्ला मैं तकरीबन 8-9 साल तो मस्जिद ना वस्ता वा, तो मस्जिद का खादम हाँ। ठीक है, नायब सदर तुम ना देख रहे, बाकी वैसे मैं खादम हाँ मस्जिद का। अलहमदुल्ला बड़ा अच्छा निजाम चल रहा है, तो साथी भी बड़ा तावन करते हैं न्याय यूनियन के, आवाम जी दिल खोल के जरा अतियात वगैरह दें, जुमे की नमाज भी जरा, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਨਿਆ ਯੂਨੀਆਂ ਤੇ ਗਿਰਦੋਨਵਾਦ ਰਾਟਲੀਓ ਮਿਤਾ ਮਾਰਫਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ। ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚਲਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ। एमटीएस ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महजब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम बाएतमाद काम, एमटीएस ट्रैवल। सिर्फ एक फोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें, आपकी सहूलत और रहनमाई के लिए हाजिर खिदमत। एमटीएस ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। Join Bir Sultan Fiazul Hassan Qadri for Masjid-e Hussein live telethon appeal on Friday the 21st of June, Saturday the 22nd of June and Sunday the 23rd of June at 6 PM, live and exclusive on Takbir TV. Ki gal hai o yaar, ye telethon hai na karna Pakistan ohde vich yo hi koi bana ki matlab hai? Hello janab, nava card aaya je, salam Pakistan, salam Pakistan, ek
151 मिनट पाकिस्तान गल करना जे मिनट ना कटन की गरंटी के नाल आवाज बिल्कुल साफ यार इन्हें यूज किस तरह करना बिल्कुल सिंपल अपना मोबाइल चुको ए नंबर मिलाओ तो कॉल बैक बिल्कुल फ्री आएगी अपना पिन कोड लाओ बीच पाकिस्तान गल करो सलाम पाकिस्तान सलाम पाकिस्तान पाकिस्तान 151 मिनट्स इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया ताज़ा ताज़ा हस्ता जलेबियों और ताज़ा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज सर्दियों का खास तोहफा गाजर का हलवा शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया वक्फे से जाने से पहले बातचीत कर रहे थे स्टूडियो में अपने मेहमानों के साथ तो नाजरीन आज हमने मजहबी सेगमेंट के बाद जो ताज़ा तरीन इशू है पाकिस्तानी बरादरी का वो असाइलम स्टे रेड कार्ड के हवाले से है उसके लिए हमने जो माहिर कानून चौधरी मोहम्मद शेख को दावत दी हुई है जो इस बारे में बहुत मुफीद और दुरुस्त मालूम अपने नाजरीन से शेयर करेंगे तो अभी हम प्रोग्राम को वहीं करते जहाँ से सिलसिला रुका हुआ था जी बाबर साहब सुने के ताड़ी मस्जिद को माशाल्लाह वफर मकदार छपान गए तो दसो इस बारे में क्यों फायदा बाकी है कि बाहर गल नहीं अलहमदुल्ला साढ़े को बहुत फंड है तकरीबन 40,000 के लगभग है तो जी फलाह महबूद है अल्लाह के जो गरीब बंदे उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो असी उन्होंने पैसों इस्तेमाल कर रहे हैं मस्जिद च मजीद असी देख रहे हैं कि कोई अपनी मस्जिद वास्ते जगह खरीद लीए क्योंकि बकायदा असी चाहते हैं कि आवन वाले मुसलमान जेड़े पाकिस्तानी भाई या मुसलमान ने जेड़े उन्होंने इस्तेमाल कर है नहीं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जो पैसे रखे ने मस्जिद खरीदने चले जी ये तो बातचीत वाले से इंशाल्लाह दोबारा बातचीत करेंगे कारी मामा यासिन चिश्ती साहब शबे बरात की आमद आमद है दो दिन के बाद यहाँ पर बरकतों वाली रहमतों वाली मुबारक रात होगी उस हवाले से हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि इस रात की क्या फादियत है क्या खसूसी है इस रात में उस बारे में अपने नाज़रीन को माशाल्लाह इरफान भाई बहुत ही बरकतों वाला ये महीना शुरू हुआ है शबान का महीना शबान अल मुअज़्ज़म का महीना और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है मेरे आका फरमाते हैं शाबानु शहरी व रमदानु शहरुल्लाह कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है इस महीने
रखते हैं, पूरा महीना लगातार रोजे रखते हैं। और एक हदीस इस तरह आती है, उसका मफहूम है कि इतने रोजे रखते थे कि उसका सिलसिला रमजान के साथ मिल जाता था। तो मेरे आका इरशाद फरमाते थे कि मेरे गुलामों, ऐ मेरी उम्मत, ये शबान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला इंसान की मौत का वक्त लिखता है। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरी मौत का वक्त लिखा जाए, मैं उस वक्त अल्लाह की इबादत की हालत में हूं। तो मैं ये मैसेज दूंगा कि अगर अल्लाह का नबी जो इमामुल अंबिया है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात का के लिए रहमत है, अगर उनका ये आलम है तो हम तो है ही गुनाहगार। हमें अगर ये रात नसीब हो जाए तो हमें चाहिए कि जरूर इस रात को जाग कर अपने रब को राजी करें और अपने नबी की बारगाह में भी सुरखरू हूं। क्यों ब्रदरन सलाम इरफान भाई, कल मैंने भी और आपने भी कयामत वाले दिन आकलीसलाम और हाल के कायनात की बारगाह में पेश होना है, ठीक है। और उससे पहले पहले हमें तूबू इल्लाह, अल्लाह की तरफ तोबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह की तोबा के दरवाजे खुले हैं, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं। यानी कि हमें गड़गड़ा कर जो अपनी बख्शिश, अपनी मगफरत की दुआएं मांगनी हैं, तो मैं फिर वो पूछूंगा कि इस वाले से कोई मुस्तनद कोई रवायतें, कोई अहादीस हैं कि किस तरह इबादत किस तरह की जाए, किस तरह अल्लाह को राजी किया जाए इस रात। मैंने अर्ज की, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान की तरफ निगाहें उठाएं। मेरे आका ने जब आसमान की तरफ निगाहें उठाई तो क्या देखा कि 300 दरवाजे जन्नत के अल्लाह ताला ने खोले हुए। शब-ए-बरात की रात, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शबान की 15वीं रात है। और मेरे आका का फरमान है कि इस रात में सवाए जानी शराबी के, जो बदकार, उसके अलावा जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में मगफरत की दुआ करेगा, तोबा करेगा, अल्लाह ताला उसकी तोबा को कबूल फरमाएगा, ठीक है। यानी कि खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाना चाहिए दुआ मांगने का, यानी कि नवाफल भी अदा करने चाहिए, कुरान खानी भी करनी चाहिए, इस रात में नमाज तस्बीह अदा करनी चाहिए, मिलाद की महफल मनानी चाहिए, दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए, नवाफल अदा करने चाहिए। सच्चे उम्मती होने का सबूत इसी तरह दिया जा सकता है। आप क्या इस हवाले से, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि अपनी मस्जिद में आपने कोई प्रोग्राम रखा हुआ है? हाँ माशाल्लाह, हर साल की तरह हमने इस साल भी शब-ए-बरात की रात को शब-ए-बरात होगी। हाँ इंशाल्लाह मस्जिद खुली रहेगी इंशाल्लाह। हमारे देखने वाले नाजरीन जोग दर जोग तशरीफ लाएं, आपका मैसेज है कि वो आए इंशाल्लाह। बाजमा सलातन तस्बीह होगी इंशाल्लाह जरूर, और अपने अपने गुनाहों की मगफरत की जाए इंशाल्लाह जरूर, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद यासिन नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताया कि शब-ए-बरात की क्या अहमियत है। हमारे साथ आने वाले मेहमानों का तहे दिल से मशहूर कि आपने अपनी कीमती मसरूफिया से टाइम निकाला, हमें इज्जत बख्शी। नाजरीन चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। जैसा कि आपको मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था, आज हमारे साथ मोहम्मद शेब चौधरी मौजूद हैं जो कानूनी माहर हैं और तर्जमान हैं वजारत कानून यूनान के। आजकल जो पाकिस्तानी बरादरी का बल्कि तमाम तारकिन वतन का जो अहम तरीन कोर इशू है, जो मौजू बहस हर तरफ जो हमें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके पूछे जा रहे हैं, वो हैं कि जो सियासी पना की मुख्तलिफ ख़बरें जो गर्दश कर रही हैं, उस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद शेब चौधरी जो अपने नाजरीन को जो अहम तरीन मुफीद और दुरुस्त मालूमात देंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं मोहम्मद शेब चौधरी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि क्या बातें जो गर्दश कर रही हैं उनमें सच्चाई है? वो कद खाकी में बताया जा रहा है कि स्टे का जो सिस्टम वहाँ शुरू कर दिया गया है, आप इस बारे में क्या आपके पास मालूम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को, और शुक्रिया आपका और प्याम तकबीर के पूरी टीम का। आजकल तो खैर नहीं, शुरू से ये सारे मसाइल हैं तारकीन वतन के जो गैर कानूनी तौर पर यूनान में रह रहे हैं और एक कानूनी हैसियत इख्तियार करने के लिए कोशिश में वो सियासी स्टे की अपील करते हैं। तो उस हवाले से पहले तो चंद सालों से ये पेट्रोली जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पर उनको स्टे, सियासी स्टे और कानूनी दस्तावेजात दी जा रही थी, ठीक है। लेकिन अभी चंद पिछले चंद हफ्तों से
यही जो महकमा था सियासी स्टे वाला, इसके खिलाफ काफ़ी शिकायतें और लोगों के गिले शिकवों की वजह से इसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया एक नए महकमे के पास, जो कि कातेखा की इलाका है उसमें। कहाँ पे, यानी कि किस मिनिस्ट्री के ये अंडर? ये वजारते अमनो आमा, पब्लिक आर्डर मिनिस्ट्री। अच्छा, ये जहाँ इनकी जो कनेलो पुलो तेसरा पे मिनिस्ट्री है वहाँ पर ये उन्होंने इसका दफ्तर? बिल्कुल उसी दफ्तर में, कातेखा की का जो स्टाफ है मेट्रो का, ठीक है, उसी के साथ ही जो बड़ी बिल्डिंग पहले वो सरकारी टीवी के इस्तेमाल में थी। मोहम्मद शरीफ चौधरी साहब, वो सुनने में आ रहा है कि इस जो स्टे हर बंदा ले सकता है, क्या इसमें कितनी सदाकत है इस खबरों में? देखिए, असल में तो ये जो सियासी पना है ये वही बंदे लेते हैं जिनको कोई अपने मुल्क में जंगी मसाइल हैं, जिनके मुल्क में कोई शोरस ज़्यादा ममालिक हैं, या फिर ऐसे बंदे जिनको अपनी जान का ख़तरा है अपने मुल्क में, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक तहफ़ फराहम किया जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हमारे बंदे जो हैं उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, वो इधर आते हैं काम करने के लिए। हालांकि जो बंदा गैर कानूनी तरीके से किसी भी मुल्क में जा रहा है और वहाँ पे, उसके लिए ये नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके मुल्क में जंग है या फिर जिनके मुल्क में कोई उनका ज़ाती मसला है। ठीक है, वो तो लोग जो आते हैं वो उनकी कोशिश होती है किसी तरीके से वो पकड़े ना जाएं और इनकी जेलों की नज़र ना हो, जो इमिग्रेशन इन्होंने वो बनाए हुए हैं इमिग्रेंट्स के लिए, जो ग्वांतानामा स्टाइल के जो इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं, जो वो एक अलग इशू है। आप मुझे बताएं कि कौन कौन से तारकिन वतन ये असाइलम ले सकते हैं? यही मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो जिन बंदों को अपने मुल्क में मसाइल हैं या जंग है, ठीक है, उन ममालिक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बंदे जिनकी जान को खतरा है अपने मुल्क में, वो सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए कौन सी दस्तावेजात का होना ज़रूरी है? शुरू में ये आपको अप्लाई करने के लिए आपके घर का एड्रेस आना चाहिए, आपको जहाँ पे आप रह रहे हैं यूनान में रहाइश का एड्रेस। हाँ जी, जो नया महकमा जहाँ पे शिफ्ट हुआ है अभी, उनका यही तरीका है कि आप लोग उधर जाएं और अपनी बारी का इंतज़ार करें, ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी नया काम है, तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से शुरू किया है उन्होंने, तो वहाँ पर काफ़ी रश होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं बाहर, लेकिन इतने ज़्यादा बंदों को वो एक दिन में फारग नहीं कर सकते। कितने बंदों को रोजाना की बुनियाद पर? देखिए, उनकी कोशिश जो है वो तो है ज्यादा से ज्यादा बंदों को फारग करें। अंदाजन कितने बंदों? तो तकरीबन फिलहाल कोई उनका करेक्ट अभी फिगर नहीं है, लेकिन 40 से 50 लोगों का सुनने में आ रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर की एप्लीकेशन ले रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो तारकीन वतन है मुख्तलिफ मुल्कों से, उनके लिए, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ये देखते हैं सबसे पाकिस्तानी भी ले सकते हैं ना? पाकिस्तानी भी ले सकते हैं। अभी कार्ड को चेंज कर दिया गया है, उस बारे में बताइए अपने नजर। टोटली उसको तब्दील कर दिया, उसका डिजाइन भी, और उसमें सारी कोशिश की गई है कि जालसाजी उसके ना हो सके। अच्छा, जालसाजी को रोकने की खातिर उसको टोटली चेंज कर दिया गया, अब रेड कार्ड जो पहले होता था वैसा नहीं है। अब बिल्कुल ये मुख्तलिफ तरह, थोड़ा बारीक पेपर और उसके अंदर स्कैन करके, ताकि इसकी कोई जालसाजी ना हो सके, बना दिया है। अच्छा, जिस तरह वो कहते हैं ना स्टिकर की स्टाइल का, बिल्कुल उसके ऊपर एक उन्होंने कुछ खास किस्म का मोनोग्राम लगाया, मोनोग्राम के वो जालसाजों से बचा जा सके। अच्छा, जालसाजों से बचा जा सके। अच्छा, मैं पूछूंगा कि जो पाकिस्तानी हैं, आपकी राय में कहूँगी, आप अदालतों में बड़े अरसे से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आपको इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है, कौन सी वो अहम बातें हैं जो वो अपना कर वो जो शुरू में सोच लें, क्योंकि उनके बाद अक्सर हमें देखने में आ रहा है कि पाकिस्तानी पहले कुछ बताते हैं, बाद में उनको अपना वो स्टेटस चेंज करने के लिए उन्हें कुछ बताना पड़ता है। जी, तो उनका वो कॉम्प्लिकेटेड केस बन गए हैं, वो ना सियासी स्टे ले सकते हैं, ना शादियाँ करके वो अपने जो कानूनी हैसियत हासिल कर रहे हैं, इस समय वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हम कह लेते हैं उसको क्या अपनाएं जिसकी वजह से वो फ्यूचर में प्रॉब्लम से बच सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि अक्सर जो पिछले चंद सालों में जो मसले आ रहे हैं पाकिस्तानी बरादरी के नाम में बहुत मसला होता है। अच्छा। अपने नाम के स्पेलिंग नहीं करेक्ट नहीं बता सकते या लिख के नहीं दे सकते, तो कोशिश करें कि जब भी आप सियासी स्टे या सियासी पनाह की दरख्वास्त के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप कम अज़ कम अपने जो नाम और उसका सारे स्पेलिंग है वो अपने साथ कोई डॉक्यूमेंट ले जाएँ,
ठीक है नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। हम अपनी सहम और मुफीद गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के आने के बाद दोबारा शुरू करेंगे। देखते हैं एक ब्रेक। किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाखा से राब्ता करें। PDS कार्गो लिमिटेड, आप सबके लिए शानदार ऑफर, 1 pound पर केजी, डोर टू डोर सर्विस। हम बर्तानिया में आपके घर से पार्सल कलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान या आजाद कश्मीर आपके घर डिलीवर करते हैं। ना कस्टम की टेंशन, ना एक्स्ट्रा ड्यूटी की फिक्र। 02085219777। Join Peer Sultan Fiazul Hassan Qadri for Masjid Hussein live telethon appeal on Friday the 21st of June, Saturday the 22nd of June and Sunday the 23rd of June at 6 p.m. live and exclusive on Takbir TV. Phone giant. Birmingham's number one mobile phone supply, repair and unlocking gadget experts. Step inside the giant and you'll discover an impressive display of the latest handsets from all leading brands. Phone Giant carry out all repairs. So go on, take that leap and visit the giant. Number one, Washwood Heath Road, Saltley, Birmingham. Telephone 0121-327-5733. Find us on Facebook. इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, दुबई और उमरा के लिए निहायत ही सस्ते एयर टिकट्स विद इंस्टेंट कंफर्मेशन sastiflight.com पर ऑनलाइन बुकिंग करें या कॉल करें। ओपन 24 आवर्स 7 डेज अ वीक sastiflight.com। दुबई के लिए स्पेशल हॉलीडे पैकेजेस, फ्री एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, फ्लाइट बुकिंग और हॉलीडे पैकेजेस के लिए अभी कॉल करें 0208-902-0075 या विजिट करें sastiflight.com। हजारों मुतमईन कस्टमर्स का एतमाद sastiflight.com। mobile.com, your local phone shop. Sales and purchases of new and used phones, all phone accessories are available. Specialists in worldwide unlocking while you wait. All kind of phones repaired and updated. mobile.com, 248 Alamrock Road, Birmingham. Phone number 0121-328-2236. वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे स्टूडियो में तारकिन वतन, खासकर पाकिस्तानियों के जो इमिग्रेशन मसाइल हैं उस अमूर पर आज हमने दावत दी हुई है कानूनी माहर व तर्जमान वजारत कानून यूनान मोहम्मद शहब चौधरी को। आजकल पाकिस्तानी बरादरी के जितने भी गैर कानूनी तारकिन वतन हैं उनका जो अहम तरीन मसला है वो है सियासी पनाह किस तरह हासिल करके अपने आप को पुलिस की गिरफ्तारी से बचाया जा सके। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो अफवाहें और मुख्तलिफ खबरें जो गर्दिश कर रही थी, इसी हवाले से आज हमने मौका जाना कि हम अपने नाज़रीन को अहम और मुफीद और दुरुस्त मालूमात पहुँचा सकें। तो शहब चौधरी साहब, आप बताएं कि एक मिसाल के तौर पर एक बंदा जिसने पाकिस्तानी है, गैर कानूनी है, उसने शालम लेनी है। आपने पहले बताया कि उसके पास उसके मकान का एड्रेस जहाँ वो रहता है वो एक नोमोस प्रतिनिधियों से नोमो का तो कदे फार्म जो उसकी उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। वो बताएं प्रोसीजर कैसे है, वो टोटल प्रोसीजर। अपना जो एड्रेस है और अपने नाम की स्पेलिंग, अपना सारा मुकम्मल बायोडाटा, वो आप या कोई अपना डॉक्यूमेंट साथ ले जाए, या फिर कई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आई डी कार्ड नहीं है, तो आप वो अपने पास लिख के ले जा सकते हैं मुकम्मल बायोडाटा। क्या क्या चीज होनी चाहिए? अपना नाम पूरा, नाम, वल्दियत और वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये अच्छा, ये चीज़ें बहुत इन पे महतात होने की जरूरत है। ये क्योंकि आप इसको रीचेक भी करें, बार बार चेक करें कि कहीं आपके स्पेलिंग में कोई गलती ना हो,
क्योंकि जब आपका बायोडाटा वो फीड कर लेते हैं एक दफा फिंगरप्रिंट्स के जरिए, तो फिर उसके बाद उसमें चेंज नहीं आ सकता उसमें। अगर आप चेंज करेंगे तो आप कानूनी तौर पे गुनाहगार होंगे, ठीक है, और आपको उसकी सजा मिलेगी जिसकी कम से कम एक साल सजा है। एक साल सजा है। अक्सर किसी भी काम में जो तब्दीली करनी है एक साल सजा है। अक्सर ऐसे होता है कि वो स्टे ऑफिस में किसी अपनी गलती से या किसी दूसरे बंदे की गलती की वजह से उनका बायोडाटा में थोड़ा सा चेंज आ जाए, तो बाद में दोबारा अगर वो कहीं पुलिस चेकिंग में आए तो डिफरेंट बायोडाटा दें तो उनको कम अज कम एक साल की सजा मिलती है। ये कानून में है, ये कानून में, ठीक है। और अक्सर हमारे भाई जो है वो इसी वजह से प्रॉब्लम का शिकार है। अच्छा, एक आदमी जो गैर कानूनी है पाकिस्तानी, वो सुबह उठकर कादे खाकी पहुंच गया, वो अपने साथ तस्वीरें दो ले जाएगा, शायद वो उनसे स्कैन करेंगे या वहीं पे आपने बताया कि तस्वीरें वो स्कैन कर लेंगे, फिंगर लेंगे, बायोडाटा उनके पास करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद क्या प्रोसीजर है? मैं तो सबसे पहले ये मशवरा दूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों का कि ऐसे बंदे जो स्टे लेने के अहल नहीं है उनको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से बंदे? ऐसे बंदे जो कि सीरियस इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, जिनको मसला है, जिनको पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे जंग लगी हुई है या ऐसे उनको सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, वो बंदे जाके सियासी स्टे अप्लाई करें। क्योंकि ऐसे बंदे जो खाम खा से जाके स्टे अप्लाई करेंगे या बार बार करेंगे उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उससे दूसरे बंदों को भी नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि इनका टोटल जो प्रोसेस है वो 3 महीने का है। अच्छा, इन्होंने ऐसे बंदे जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने पहले कभी सियासी स्टे अप्लाई नहीं की, सिर्फ वो बंदे जो हैं वो अहल हैं ये सियासी स्टे अप्लाई करने के, ये नई जो सियासी स्टे हैं कादे खाकी। और इसका स्टार्ट में जब वो एप्लीकेशन करेंगे तो तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर उनको मोबाइल के जरिए या किसी भी तरीके से उनको इन्फॉर्म करेंगे, कॉल किया जाएगा उनको, उनका इंटरव्यू लेंगे, और अगर वो इस अहल हुए और उनके वाकई उनका कोई सीरियस मसला हुआ तो उनकी स्टे जो है वो मंजूर कर ली जाएगी और उनको 3 साल का कार्ड दिया जाएगा। अच्छा, शुरू में ही 3 साल का कार्ड? 3 माह के अंदर अगर वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं और वाकई उनका वो देखते हैं कि समझते हैं कि इस बंदे का रीजनेबल कोई मसला इशू है तो उसको वो 3 साल का कार्ड दे देंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है वो बंदे, हर बंदे की कोशिश है, ये स्टार्ट के दिनों में 200-400 बंदा भी इकट्ठा हो जाता है जाके दरवाजे के बाद, रात से लोग इंतज़ार करना शुरू हो गए, तो उनके जहन में ये गलत फहमी है कि शायद इस कार्ड पे हम पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, इस बारे में मैंने बड़ी अपने नाज़रीन से वो शेयर ज़रूरी करनी थी कि मैंने वो सवाल लिखा भी हुआ था कि ये बातें बड़ी सुनने में आ रही है कि इस कार्ड से आप दीगर यूरोपीय मालिक में सफर कर सकते हैं, वहां पे जाके रह सकते हैं। ये जो आपका स्टार्ट में आप जो स्टे लेंगे 3 महीने की, इसमें आप सिर्फ यूनान में आजादाना तौर पे घूम फिर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं उसमें आपकी वो प्रूव हो जाती है स्टे, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो 3 साल की स्टे मिलेगी उसमें आप एज ए विजिटर यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हैं। अच्छा, जा सकते हैं। हाँ जी, जो 3 साल का मिलेगा। आपको वो कार्ड मिल जाता है, प्रूव हो जाता है। अगर आपको 3 माह की जो शुरू की जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्टे के बाद आपको वो देखते हैं कि आपके जो जितने भी आपने मामला बताए हैं उन पर वो मुतमिन होकर आपको 3 साल का जो असाइलम कार्ड आपको इशू करते हैं उस पर आप दीगर यूरोपीय ममालिक में विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, एज ए विजिटर काम नहीं आप कर सकते, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी बंदे का रिजेक्ट हो जाता है ये 3 महीने के अंदर, पहले इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको एक अपील का, ऐसे प्रोस्फिगी बोलते हैं यूनानी जुबान में, आप अपील कर सकते हैं उसी महकमे, अपील का हक मौजूद है, तो दोबारा आपको वो कुछ टाइम के बाद बुलाएंगे। अगर आपकी वो अपील भी मुस्तरद कर देते हैं किसी वजह से तो फिर आपको दोबारा तीसरी दफ़ा भी वो चांस देंगे कि आप यूनानी अदालत से रजू करें और अदालत के थ्रू आप तीसरी दफ़ा भी वो अपील कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टे का ख्वाहिशमंद है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर उसकी पहली जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है उसको 2 अपीलों का हक अभी है। ये प्रोसीजर कितना अर्सा चलता है? ये पहला तो 3 महीने में, ठीक है, दूसरा जो है तकरीबन वो भी 3 महीने के अंदर ही करेंगे। अपील जो आ जाती थी उसके बाद जो अदालती सिस्टम है वो आपको पता है कि काफी लेट भी हो सकता है क्योंकि अदालतों में ऑलरेडी क्राइम की वजह से काफी रश है, 2 से 4 साल भी लग सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम बात है कि जो हमारे भाई कैंपों में बंद हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक स्टे अप्लाई नहीं की, ठीक है, वो भी ये स्टे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी वो कैद हैं, जहाँ पे भी किसी भी कैंप में हैं, चाहे किसी पुलिस स्टेशन में है, वो वहाँ से उनको उनकी मदद से या उनको बता के पुलिस वालों के कि हमें सियासी स्टे चाहिए, तो वो पुलिस वाले उनको वहाँ पर लेके जाएंगे, उनकी वो स्टे अप्लाई करेंगे, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं तब तक
जब तक उनकी अप्रूवल नहीं होता। ये तो शेख जोन साहब बहुत अहम बात है मेरे हवाले से नाजरीन को, अब तक प्रोग्राम में सबसे बेहतरीन वो खुशखबरी कहूँगा वो ये है कि जो पुलिस के कैंपों में मुकीद जितने भी तारकिन वतन हैं उनके रिश्तेदार उनके दोस्त अहबाब ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि अगर उनकी पहले से स्टे उन्होंने अप्लाई नहीं की हुई है और किसी पुलिस चेकिंग में वो बंद होकर कैंप में बंद हैं, उनको चाहिए कि वो फौरन वहाँ पर अपने अमले से रजू करें, करने के बाद उन्हें बताएं कि उन्होंने स्टे अप्लाई करनी है, अपना जो उनको प्रूफ दें अपना मसला बताएं, उसके बाद अगर उनकी स्टे अप्लाई हो जाती है तो वो बाहर आ जाते हैं। अगर उनको स्टार्ट में वो बाहर नहीं आएंगे जैसे कि दूसरे अगर तीन माह की जो मिलती है उसके बाहर महीने के अंदर उनको अगर इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी अप्रूवल आ जाती है तो फिर उनको छोड़ देंगे, अप्रूवल आने के बाद छोड़ दें तो फिर उसके बाद वो दोबारा वही प्रोसेस है वो अपील करें, लेकिन जब तक उनका अप्रूवल नहीं होगा उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। अच्छा, उनको यानी कि एप्लीकेशन देने पर बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे बिल्कुल जब तक उनकी स्टे का वो जो तीन साल उनको असाइलम कार्ड नहीं मिल जाता। अच्छा, कि इसके ये रेड कार्ड की तरह का ये रेड कार्ड नहीं, थोड़ा ये डिफरेंट है, इसे क्या रेड कार्ड बोलेंगे या असाइलम कार्ड? देखिए वो भी असाइलम ही है, तो रेड तो है नहीं, पिंक उसका है, कलर है, पिंक कलर उसका पिंक है, उसका वो बस आम फैम में भी चल गया उसका नाम के रेड कार्ड। अच्छा, मैं आपसे वो पूछूंगा जो पहले स्टे होल्डर्स है, हाँ जी, जितने भी तारकीन वतन है खासकर पाकिस्तानी बरादरी बांग्लादेशी बरादरी अफगान बरादरी हमारा यह प्रोग्राम देखते हैं, इंडियन भाई, तो इंडियन भाई भी ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि जितने भी पहले स्टे जिन्होंने ली हुई है वो, क्या वो अप्लाई कर सकते? नहीं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जितने लोगों ने पेट्रोराली अलादा पोन या पुलिस हेडक्वार्टर से कहीं से भी पूरे यूनान में सेलोनिकी हो गया या कोई भी शहर, जिस बंदे ने पुलिस हेडक्वार्टर से सियासी स्टे अप्लाई किया हुआ या रेड कार्ड या पिंक कार्ड लिया हुआ वो बंदा वहीं से दोबारा रिन्यू करवाता रहेगा। अच्छा, यानी कि अभी पेट्रोराली जो स्टे जो सबका दफ्तर है उसे सबका इसलिए कह रहा हूँ कि अभी नया शुरू हो गया बिल्कुल। अच्छा, वो अभी बंद नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर? जिन बंदों ने वहाँ पे सियासी स्टे की दरख्वास्त दी हुई है ठीक है उनके वहीं से रिन्यू होंगे, जिनके पास वो रेड कार्ड है जिसे हम रेड कार्ड बोलते हैं वो जो जाते हैं वहाँ पे, अभी वो सुनने में आ रहा है कि वो चिट लगा देते हैं, नया टाइम दे देते टाइम दे देते हैं वो कुछ उनका, दे रहे हैं जो उनका कुछ अपने जाति मामला है कुछ है। सरकारी तौर पे या कुछ इस तरह के उनको मसला है जिस वजह से वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जितना भी वो नया लाया मलाएगा वो वही तय करेंगे ठीक है, और उनको मुकम्मल तौर पे ये आकाशल होगा किसकी स्टे रिजेक्ट करनी है या किसकी उसको अप्रूवल करना है ठीक है। अच्छा, वो डिफरेंट है और ये जो नया सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेश नए कहीं पे भी दरखास्त दी, यानी कि नाजरीन के लिए ये भी सबसे अहम खबर है कि जो पहले से असाइलम होल्डर हैं वो इस तरफ रुजू ना करें, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी मुस्तका मालूमात है जो हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसे तारकिन वतन जिनके पहले फिंगरप्रिंट्स ना हुए हों, जिन्होंने स्टे के लिए असाइलम के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन ना दी हुई, सिर्फ वो जाए वहाँ पर जाकर वो अपनी तैयारी करके जाएँ, जो उन्होंने वो केस वहाँ पर करना है उन पर उनकी पूरी दस्तखत हो और वो जाकर वहाँ पे एप्लीकेशन दें, और ये मेरे ख्याल में हकीकत में यूनान अब जो सियासी असाइलम दे रहा है जैसे दीगर यूरोपियन ममालिक में। अच्छा, और किन बातों का खासकर जो ख्याल रखने की जरूरत? सबसे पहले तो मेरी अपील भी अपने सारे सारी बरादरी से पाकिस्तान तमाम जो सियासी पनाह लेने वाले भाई हैं ख्वाहिशमंद हैं और कोशिश करें कि फेक बायोडाटा ना दें और कोशिश करें कि कोई भी फेक रीज़न ना दें, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप फेक रीज़न देते हैं तो जो बंदे जिनको वाकई सचमुच की कोई प्रॉब्लम है अपने मुल्क में उनके हक पे भी डाका पड़ता है ठीक है, हो सकता है उनकी फाइलें आपकी वजह से पीछे पड़ी रहे, उनके फैसले उनके दरख्वास्त का जो फैसला है वो लेट होता रहे और मुसलसल तत्तल का शिकार हो जाए, तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल सच का जो दामन है वो ना छोड़ें। अगर आपको वाकई कोई हकीकी मसला है अपने मुल्क में तो आप सियासी स्टे अप्लाई करें, अगर आप सिर्फ काम के लिए तो वो आपका 100% रिजेक्ट होगा। किस तरह वो जो उसको साबित कर करेंगे आपको पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट मंगवाने? वो आपकी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं और आपका इंटरव्यू लेंगे
अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं पेश करने की जरूरत? देखिए अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई प्रूफ है, ठीक है, कोई आपको आपकी कोई ऐसी रीजन है पाकिस्तान में, या कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप शो करें तो उसमें नजर आ रहा हो आपका मसला, मिसाल के तौर पर किसी बंदे पर कोई दुश्मनी है वहाँ पर, जो उसकी जान को खतरा है, उसकी FIR भी, बिल्कुल उसकी FIR लाएं, उसको ट्रांसलेट करवा के लाएं, कोशिश करें कि अगर अगर पाकिस्तान से उसको ग्रीक एम्बेसी से अटेस्टेड करवा सकें, या फिर कोई कोई ऐसी अथेंटिक बात हो, अथेंटिक पेपर हो जिसमें कल को ये ना हो कि ये कहीं पर फेक साबित ना हो जाए, तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं, और वो आपका समझें कि एक किस्म का रीढ़ की हड्डी साबित होगा आपकी सियासी स्टे में, ठीक है, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। यही जरूरत है कि आप जो भी आपके पास प्रूफ हैं आपने आप अपना केस मजबूत करने के लिए, वो आप पेश करें, ठीक है। तो अभी सिर्फ ऐसे तारकिन वतन ही जाएं जिनके पास ये तमाम जो हमने बातचीत की है स्टूडियो में, इनमें जो अहम तरीन बातें हैं वो फ्रेश तारकिन वतन ही वहाँ जाएँ, ठीक है। इसके अलावा शेख चौधरी साहब आप कोई खास बात, कोई मैसेज को देना चाहेंगे? इसके अलावा अभी सुनने में आया कि वो कोशिश करेंगे, फिलहाल तो वो प्रायोरिटी दे रहे हैं ऐसे बंदों को जिनके मुल्क में सख्त प्रॉब्लम्स हैं, उन बंदों को ज़्यादा ले रहे हैं, भेज रहे हैं। इनका कोई कोटा सिस्टम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी है, लेकिन ये है कि वो प्रायोरिटी दे रहे हैं ऐसे बंदों को जिनके कंट्रीज में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सीरिया में जंग है या कुछ ऐसे मुल्क हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो दे रहे हैं, देख रहे हैं कौन बंदे जो है किसका रीजनेबल, किस मुल्क से बंदे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद सुनने में आया कि कुछ दिनों तक वो कोशिश करेंगे कि दिन मुकर्रर कर दें। अच्छा अच्छा, हर मुल्क के लिए एक दिन। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपके साथ एक अहम ऐलान शेयर करना चाहूंगा। हमारे यूनान में बज़्म तकबीर के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए हम अपील करेंगे, उनसे दरख्वास्त है कि वो 21-23 जून जुमा हफ्ता एतवार शाम 8 बजे बज़्म तकबीर पर और तकबीर टीवी पर आपके लिए दरख्वास्त है कि हज़रत सुल्तान बाहू जो दरबार है वहाँ पर मस्जिद हुसैन की तमीर के लिए चेयरमैन तकबीर टीवी व चेयरमैन हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट इंटरनेशनल पीर फ़ियाज़ुल हसन सरवरी कादरी आप जाते खुद तकबीर टीवी पर लाइव टेलीफोन कॉल अटेंड करेंगे और आपसे अतियात वसूल करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं और उसके साथ साथ जो बैंक के अकाउंट भी हैं। हमारी तकबीर टीवी देखने वाले यूनान में जितने भी नाज़रीन, उनसे दरख्वास्त है, उनसे अपील है कि आप 21-23 जून 8 बजे शाम अपने टेलीविज़न चैनल अपने टेलीविज़न ऑन करें और आप बराह रास्त फ़ोन करके हज़रत फ़ियाज़ुल हसन सरवरी कादरी से बराह रास्त बातचीत भी कर सकते हैं, अपना मैसेज भी दे सकते हैं और अपने बढ़ चढ़ कर अपने अतियात भी दे सकते हैं ताकि दरबार हज़रत सुल्तान बाहू में जो मस्जिद हुसैन की तमीर हो जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का हम एंड करने जा रहे हैं। मैं प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर शेख मोहम्मद चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे देखने वाले नाज़रीन को बहुत अहम मुफीद मालूमात फ़राहम की हैं। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान। सो कैलाद का डॉन न्यूज को मिल गया। रुकने असेंबली के कत्ल पर कराची और हैदराबाद मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई, कई गाड़ियां जला दी गई, दोनों शहर बंद करके तमाम पर्चे मुलतवी, ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां सड़कों पर ना लाने का ऐलान। कहीं बोरी बंद लाश, कहीं फायरिंग तो कहीं तशद्दुद से जान ले ली गई। कराची में आज मजीद 13 घरों में क़यामत बरपा, रेंजर्स ने लियारी से 3 मगवी बाजियाब।
اللہ تعالیٰ اجر دے جن جن نے میرے بچے کو واپس لائے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اس چیز کا. پشاور میں نمازی خون میں نہلا دیے گئے. چمکری میں جمعے کے اجتماع میں خود کو دھماکے سے 14 جان بحق اور 30 زخمی. دو حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. نئی حکومت کو سپریم کورٹ کا پہلا جھٹکا. بجٹ منظوری سے پہلے جی ایس ٹی وصولی قلعدم قرار دے دی. پیٹرول 86 پیسے سستا, سی این جی پر 9% ٹیکس ختم. لاش 20 منٹ تک جھولتی رہی, لوگ موبائل سے تصویریں بناتے رہے. لاہور کے علاقے دیپال پور میں غربت سے تنگ نوجوان نے بجلی کے تاروں کو چھو کر جان دے دی. کوٹری پولیس حرکت میں. ٹیلی گراف کالونی میں مقابلے کے بعد دو ملزمان کو اسلحہ اور چھینی گئی گاڑیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا. شہریوں نے کھڑے کھڑے درگت بنا ڈالی. بینظیر بھٹو کی سالگرہ پر جیالوں کو قیادت سے دو دو ہاتھ کرنے کا موقع مل گیا. کئی جگہ تقریب بدنظمی کا شکار ہو گئی. صدر آصف علی زرداری اور آصفہ کی مزار پر حاضری, خون کا عطیہ بھی دیا.